हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल ये वाले लिपस्टिक बैग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। ऑनलाइन इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो आज हम इसे बनाने वाले हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है हमें एक डिब्बे की। आपके घर में जो भी डब्बा पड़ा हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर इस समय तो फिलहाल कोई भी डब्बा मुझे नहीं मिला, तो मैं इसे बनाने के लिए इससे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बाज़ार गई और वहाँ से 20 रुपीज़ में ये डिब्बा ले आई। अब हमें इन डिब्बे में 2 होल्स करने हैं। तो होल्स करने के लिए हम यहाँ पर एक अपनी टूटी हुई सीज़र का यूज़ कर रहे हैं। आप कोई पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा हीट कर लीजिए और इस तरह से उसमें थोड़ा सा पिन करेंगे तो उसमें होल बन जाएगा। तो इसी तरह से हम 2 होल्स किए हैं। अब हमें ज़रूरत है एक कार्डबोर्ड की, तो मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और इसके लोअर साइड पर मैं इस तरह से कवर अप कर दूंगी। तो लिपस्टिक का नीचे का पोर्शन जो होता है, जिसे घुमाकर निकालते हैं लिपस्टिक को, तो वो वाला पोर्शन हमारा बन जाएगा। अब इस डिब्बे के बॉटम के एरिया को कवर करने के लिए मैंने उसी सेम साइज़ का एक सर्कल कट कर लिया है कार्डबोर्ड का, और मैं इसे भी नीचे ग्लू कर दूंगी। बट इसका साइड थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा था, तो इसे कवर अप करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया और इसे इस तरह से हम लगाकर कवर अप कर रहे हैं ताकि ये खुला खुला सा ना रहे, क्योंकि हमारा जो ये डब्बा था वो नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ था। आप लोग के घर पर अगर चिपटा नीचे के साइड से पूरा प्लेन सरफेस का अगर बॉक्स मिले तो वो अच्छा रहेगा। तो हमें इस रेफरेंस के लिपस्टिक को बनाना है, तो जिसके लिए हम ऊपर गोल्डन और नीचे ब्लैक कलर लगाएंगे। कुछ लोग पूरा पूरा ब्लैक कर रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, लग रहा है वो नीचे वाला एरिया पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास स्प्रे पेंट है ये गोल्डन कलर का, तो मैं ऊपर के साइड गोल्डन कलर से पेंट करूं। ऊपर का एरिया तो कवर हो गया है, तो नीचे के एरिया को, जो कार्डबोर्ड वाला एरिया है, उसको कवर करने के लिए हम ये ब्लैक कलर का ग्लिटर शीट पेपर ले आए हैं। तो इसे मैंने सेम साइज़ का कट कर लिया है और हम इसे फटाफट से इसके ऊपर स्टिक कर दे रहे हैं। ये ग्लिटर शीट पेपर थोड़ा शाइनी है तो लिपस्टिक बैग को थोड़ा ब्लिंगी लुक दे रहा है ये, और ये मार्केट में बहुत ही इजीली 15 रुपीज़ में मिल जाता है। इसी तरह से हम इसके बॉटम एरिया को भी इसी ब्लैक ग्लिटर शीट पेपर से ही कवर अप कर रहे हैं। इसके ऊपर के साइड थोड़ा थोड़ा सा कार्डबोर्ड शीट दिख रहा है तो वो उतना अच्छा लग नहीं रहा है। अगर आपके पास कोई पर्ल हो या मोती छोटी छोटी हाफ कट वाली बीड्स हो तो उन्हें आप लगा सकते हैं इसको कवर करने के लिए। हमारे पास वो नहीं था तो हम इसी को ग्लिटर शीट पेपर को ही पतली स्ट्रिप में काट कर इसको कवर कर रहे हैं। इसका नीचे का पोर्शन तो बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए हमारे आसपास कितना मैंने सामान फैलाया हुआ है। अब हम इसके लिपस्टिक के अपर पोर्शन को बनाएंगे। तो हमें इस शेप में कार्डबोर्ड को कट कर लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके सर्कल बना लेना है उसका। तो इसका मैंने सर्कल इस तरह से फोल्ड करके एक मास्किंग टेप लगा दिया। अब ये जो लिपस्टिक का ऊपर का मेन पार्ट होता है, जो लगाने वाला, ये बन गया है। अब इसको कवर करने के लिए मैंने रेड कलर का ग्लिटर शीट पेपर लिया है, क्योंकि लिपस्टिक का कलर रेड होता है, तो मैंने रेड ले लिया है। और इसका भी जो शेप था तो मैंने उसी कार्डबोर्ड के शेप से ही इसको कट करके पहले ही रखा था, तो इसके ऊपर से मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये ग्लिटर शीट पेपर काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसके अंदर पहले से ही स्टिकी ऐसा एडहेसिव लगा हुआ था, कोई गम लगा के चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे फाड़ो और चिपका लो। अब इसी तरह से हम इसके अपर साइड को कवर करने के लिए इसका मेजरमेंट लेकर एक इस शेप का हमने कट कर लिया है ग्लिटर शीट पेपर, और इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे इसके साइड साइड से। अगर आपके पास फोम हो तो इसके अंदर फोम भी आप भर सकते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होता है। हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं भरा। अब हमें इस पीस को ढक्कन के ऊपर स्टिक कर देना है विद द हेल्प ऑफ एनी ग्लू। इसे कैप के एकदम बीचों बीच ही ग्लू करना है, और इसके बाद हमारा लिपस्टिक बनकर रेडी हो चुका है।
बट क्योंकि हमें लिपस्टिक का बैग बनाना है, तो मैंने, आपको याद है कि मैंने दो होल्स किए थे साइड साइड में, तो उन्हीं होल्स में हम पहले आई पिंस को अटैच करेंगे। तो ये मैंने आई पिंस ऑनलाइन मंगाई थी आप, तो उसे मैं इस होल्स के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और अंदर की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर दे रही। इसी तरह से हम दोनों होल्स में आई पिन को अटैच कर देंगे। उसके बाद हमने लिया जंप रिंग और एक चैन। ये चैन मेरे एक कपड़े में लगी हुई थी बेल्ट की तरह, तो वो कपड़ा अब पुराना हो चुका है, तो उसमें से मैंने ये बेल्ट निकाल ली और इसे मैंने जंप रिंग की हेल्प से आई पिन में अटैच कर दिया। तो बस हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसमें फटाफट से अपने सारे सामान रख लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी एक पार्टी में जाना है। तो इसमें आप टचअप करने के लिए कुछ मेकअप की चीज़ें या फिर अपनी कोई भी हैंकीज वगैरह, कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग्स रख सकते हैं। बस मेरा पार्टी बैग बनकर रेडी हो चुका है। तो जाइए आप लोग भी इस तरह के बैग बनाइए और खूब सारा फ्लॉन्ट करिए। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।